बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे एसपीएससी का जो पास्ट पेपर हुआ था 25/10/2019 में, जो फेडरल सर्विस का एसएसटी का पेपर हुआ था फेडरल में, उसके 20 क्वेश्चंस मैंने पार्ट वन में करवा दिए थे। अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 21 देखिए, उसमें क्या कहा गया, विच इज़ क्लोज विद, अब ये क्लियर आई थिंक नज़र आ ही रहा होगा मुझे, और मज़ीद हाईलाइट करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं होगी। विच इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन आर 1-1, ये एक सेट है, दूसरा सेट 1-2 एंड 1-1 एंड नन। अब चार ऑप्शन में से चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कौन सा सेट क्लोज है। उसको मैं आपको अगेन अगर सोल्व करके दिखाऊँ, पता नहीं नज़र भी आ रहा होगा कि नहीं सही तरह से। आप ऑप्शंस देखें, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन सेट है 1-1, इसको चेक करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या ये क्लोज्ड है या नहीं। क्लोज्ड करते कि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है तो वो ऑपरेशन लगाएं वन इस सेट पे, तो जो आंसर आएगा वो भी उसी सेट से अगर बिलोंग करता है तो वो सेट मेरा क्लोज सेट कहलाएगा। अब यहाँ पे 1-1 है, अगर मैं 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा 1। लेट्स जो सेट मैंने ये लिया है उसको कैपिटल ए का नाम दे दीजिए, सेट का नाम ये है 1 × 1 = 1, दैट इज़ बिलोंग टू सेट ए। अगर मैं करूँ -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो पॉजिटिव आनेगा, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। इफ़ -1 एंड +1 को अगर मल्टीप्लाई करूँ आंसर आएगा -1, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। और 1 × -1 करूँ = -1 आएगा, विच इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट ए। सारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेट ए में बिलोंग करते हैं, किसी ये इस सेट की किसी भी तरह मैं इन एलिमेंट्स को इनसे ही मल्टीप्लाई करूँ या साथ वाले से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं वो उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। दैट्स मीन गिवन सेट दैट हैज़ एलिमेंट 1 एंड -1 आर क्लोज सेट्स। तो ये मेरा 1-1 तो क्लोज सेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी को अगर चेक करें तो बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1-2। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 को ही -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और दैट डज़ नॉट बिलोंग टू 1-2 से बिलोंग नहीं करता, इसमें ये मेरा सेट क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है 1-1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 1-1 तो 1-1 ही आएगा, सेम एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते। -1 तो -1 × -1 करेंगे तो पॉजिटिव आने आएगा, विट डज़ नॉट बिलोंग टू 1। -1 एंड -1 से बिलोंग नहीं करते, सेम एलिमेंट्स तो नहीं हो सकते, कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें। तो सी ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज का है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है इसका, जो सेटिस्फाई कर गया था फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 में क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन पूछा गया था, उसका ऑप्शन 1-1 फर्स्ट ऑप्शन 1-1 एलिमेंट्स जिसके अंदर है वो सेट हमारा क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 22, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी है, उसके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर k+2, 1, 5, k-2 = 0। अब यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है कि क्या होगा, तो सिंपली डिटर्मिनेंट खोल दें AD-BC, मतलब ये एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी k+2 × k-2 - 5 × 1 = 0। तो a+b × a-b, k²-4 - 5 = 0, k²-9 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट k² = 9, देन दिस इम्प्लाइज दैट k+±3, इसका राइट ऑप्शन था ये k+±3। ये 22 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा था हीरो फार्मूला किस लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, यूज़ ऑफ हीरो फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ये 8th क्लास में इस हीरो फार्मूला के बारे में बताया गया। हीरो फार्मूला
ट्रिग्नोमेट्री एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑप्शन थे एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, नन ऑफ दीज, और तीसरा ऑप्शन पता नहीं क्या था। अब उसका हीरो फार्मूला का यूज़ है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। ये इसका राइट ऑप्शन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम हीरो फार्मूला का यूज़ करते हैं। और ट्राइंगल अगर लें तो ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल सी एंड स्मॉल बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हीरो फार्मूला क्या होता है वो भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट, वेयर वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइडों की जो लेंथ होगी उनको प्लस करके टू पे डिवाइड कर दें तो एस आएगा। एस को फर्स्ट साइड में से माइनस करें, सेकंड साइड में से माइनस करें, थर्ड साइड में से माइनस करें और ऐसे मल्टीप्लाई करते फिर सारा रूट लें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का ये फार्मूला है। और इस फार्मूला हीरोज एक साइंटिस्ट का मैथमेटिशियन का नेम था, उस नाम से इसको हीरो फार्मूला का नाम दिया जाता है। 23 क्वेश्चंस हो गए, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 20 जो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 उस डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें दी गई है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। और इसके ऑप्शंस अब इसका इसको डायरेक्ट अब सॉल्व करके बता देती हूँ कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन बनता है। उसके ऑप्शंस इधर से देखें कि अल्फ़ा इंटू ए रेस्ट पावर माइनस टू एस, बीटा ई रेस्ट पावर फाइव, मतलब इसका जनरल सोल्यूशन ही निकाला गया है। जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये तो पता ही होगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लें, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी इसकी, डी स्क्वायर माइनस सेवन डी प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज करें फाइव, इसके फैक्टर्स बनेंगे डी माइनस टू एंड डी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन डी इज इक्वल टू प्लस टू एंड प्लस फाइव, तो इसके रूट्स बनेंगे फिर डिफरेंट रूट्स हैं तो फिर इसके जनरल सोल्यूशन जिसका बनेगा, जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा ई रेस्ट पार पॉजिटिव टू एंड पॉजिटिव फाइव के लिए बनेगा टू एक्स प्लस बीटा ई रेस्ट पार फाइव एक्स बनेगा। ये अल्फा ई रेस्ट पार टू एक्स प्लस बीटा ई रेस्ट पार फाइव एक्स, ये इसका जनरल सोल्यूशन था ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सेवन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, तो इसका चार ऑप्शंस में से इसका राइट ऑप्शन ये है अल्फा ई रेस्ट पावर टू एस प्लस बीटा, मतलब टू एंड फाइव दो रूट्स थे और दोनों पॉजिटिव थे तो इसका राइट ऑप्शन ये जनरल सॉल्यूशन इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में कहा गया है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव देन एक्स के प्लस वाई के प्लस टू एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ये दो ही क्वेश्चन दिए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लीनियर इक्वेशंस का कैसे फाइंड करते हैं, वन इज लीनियर एंड सेकंड इज क्वाड्रेटिक, बट मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर थोड़ी लाइट हो रही है। क्वेश्चन 24 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो इक्वेशन दी गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 दी गई है।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दिस इक्वेशन का नाम ले लेते हैं, दिस इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. फर्स्ट इक्वेशन लें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2x. आप वाई की वैल्यू उसमें रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, क्योंकि वाई का स्क्वायर है तो उधर वाई की वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, 25 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर, और माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18 माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0. ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पेयर्स नहीं बनते तो फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा 18 प्लस माइनस 324 माइनस 320 ओवर 10. तो बनेगा, इसके पेयर्स बनेंगे 18 प्लस माइनस 2 ओवर 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू दिस, देन x इज इक्वल टू 2 एंड 8 बाय 5. ये x की वैल्यूज आई हैं. अब x की वैल्यूज दोबारा इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आएंगी. फॉर x इज इक्वल टू 2 y क्या देगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. 2 रखने पे मुझे y बना 1. x इज इक्वल टू 8 ओवर 5 रखने से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 8 बाई 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 16 ओवर 5 इज इक्वल टू 9 ओवर 5. तो मतलब मैं y की रखी 8 ओवर 5, तो x है मेरा 8 ओवर 5 और 9 ओवर 5, तो इसका फिर राइट ऑप्शन 8 9 5. तो राइट ऑप्शन फिर ये बनता है 8 ओवर 5, एक्स 8 ओवर 5 रखने से वाई की 9 ओवर 5, और एक्स की 2 रखने पे वाई की 1 आई. तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन 24. नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इंटू एक्स माइनस 1 है, देन एफ इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा. इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1, सेकेंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड फोर ऑप्शन इज 4. 1, 2, 3, 4 ऑप्शन हैं. एफ ओफ एक्स दिया गया और एफ इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी ये बताना है. अब तो पहले एफ ओफ एक्स है, पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर एक्स की जगह 0 पुट करके एफ इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू आएगी. पहले तो इस फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है, अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 25, नज़र तो आ रहा है ना. क्वेश्चन नंबर 25, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स माइनस 1 है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है. लेट वाई, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो देन वाई इज इक्वल टू 1/3 एक्स माइनस 1, वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स बाय 3, एंड 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स है. तो अगर वाई इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स है तो फिर एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स भी ये चीज़ इम्प्लाइज करेगी. तो अब रिप्लेस एक्स बाई वाई बाई एक्स. इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं पता ही होगा, रिप्लेस वाई बाई एक्स से रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, तो y, इट्स मीन ये मेरा फिर हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x. तो ये मेरा, हैंस दिस इम्प्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1. ये मेरा इन्वर्स आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मुझे कहा गया था f इनवर्स ऑफ 0 फाइंड करें. अच्छा, ये फंक्शन दिया गया था, ये मैंने उसका इन्वर्स फाइंड किया. किस क्या किया, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेके उसको रिप्लेस करके मैंने ये f इनवर्स ऑफ x निकाला. अब ये चेक करना है कि क्या ये इन्वर्स सही है या नहीं. इसको चेक पेपर में वैसे इतना टाइम नहीं होता कि आप चेक भी करें, देखें और कंफर्म करें. चलें मैं अपने कंफर्म करके आपको बताती हूँ कि क्या ये इन्वर्स है नहीं. अगर मैं फ़र्ज़ करूँ x इज इक्वल टू, मैं पुट करती हूँ, चलें शॉर्ट वन ले लेते हैं, एफ ओफ एक्स में अगर वन पुट करूँ मैं,
मतलब एफ ओ एक्स जो लिया गया वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन है. अब गिवन फंक्शन में जो एफ ओ एक्स एक्स की जगह वन रख के देखें तो क्या आएगा, एफ ओ वन इज इक्वल टू वन बाय थ्री इंटू वन माइनस वन. तो एफ ओ वन इज इक्वल टू वन बाय थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस थ्री ओवर थ्री इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री आता है. मतलब जब फंक्शन के अंदर मैंने वन रखा तो माइनस टू बाई थ्री आया. तब इनवर्स में माइनस टू बाई थ्री रखने से वन आना चाहिए. ये अब मैं चेक करती हूँ. माइनस टू बाई थ्री इनवर्स में रखते हैं ये एफ इनवर्स ऑफ माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस वन. तो ये बनेगा थ्री इंटू एफ इनवर्स ऑफ माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस टू प्लस थ्री ओवर थ्री. थ्री थ्री से कैंसिल इज इक्वल टू वन. एफ इनवर्स ऑफ माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन आया. दैट्स मीन इस रो मैंने फंक्शन के अंदर जब वन रखा तो माइनस टू बाई थ्री है, और इनवर्स के अंदर जब माइनस टू बाई थ्री रखा तो मुझे आंसर वन मिला. इट्स मीन जो मेरा इनवर्स है वो बिल्कुल सही मैंने निकाला है. ये कन्फर्म हो गया ये इनवर्स सही है दिस फंक्शन का. अगर ये फंक्शन मेरा वन बाई थ्री इंटू एक्स माइनस वन हो तो ये उसका इनवर्स होता है थ्री इंटू एक्स प्लस वन. अब क्वेश्चन में मुझे कहा था एफ इनवर्स ऑफ ज़ीरो फाइंड करें. तो अब मेरे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स अभी मैंने निकाला थ्री इंटू एक्स प्लस वन. अब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये क्या देगा, तो एफ इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री इंटू ज़ीरो प्लस वन इज इक्वल टू थ्री. एफ इनवर्स ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री है तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में माइनस वन टू वन इंटू मोड ऑफ एक्स डी एक्स है. तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज़ ज़ीरो, सेकंड ऑप्शन इज़ वन, थर्ड ऑप्शन इज़ नेगेटिव वन एंड फोर्थ. तो ऑप्शन नन ऑफ दीज ही था, कोई एक दो ही ऑप्शन था जो नन ऑफ दीज के अलावा था, वरना ज़्यादातर थर्ड फोर्थ तो वन ऑप्शन तो नन ऑफ दीज का ही था. फेडरर वाले वैसे मोस्टली पांच ऑप्शंस देते हैं और पांचवा तो नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज का होता है, और चार ऑप्शंस इस तरह के होते हैं कि मतलब जनरल कोई और वैल्यू दी जा रही, वैल्यूज़ होती हैं, नंबर्स होते हैं. मैथ है तो नंबर्स होते हैं, मतलब रिलेटेड टू क्वेश्चंस होते हैं. और इस बार था कि चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज का था और थर्ड बाकी फर्स्ट थ्री ऑप्शंस आर डिफरेंट. अभी मुझे इंटीग्रल दिया गया और यहाँ फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 26 नेगेटिव वन टू वन मोड ऑफ एक्स डी एक्स है. तो ये फार्मूला भी है कि लिमिट नेगेटिव लिमिट टू पॉजिटिव लिमिट जा रही हो फंक्शन ऑड हो तो इज इक्वल टू आंसर ज़ीरो आता है. अब यहाँ पे देखें कि ये जो मोड ऑफ एक्स है ये मेरा ऑड फंक्शन है, तो और मोड ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन. ये मेरा ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और ये लिमिट नेगेटिव टू पॉजिटिव वन जा रही हो तो ये आंसर ज़ीरो देता है. सो नेगेटिव वन टू पॉजिटिव वन मोड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसका आंसर आएगा. तो राइट ऑप्शन इज ए, इसका आंसर ये होगा. क्वेश्चन नंबर 27 मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स लिमिट दी गई है. इसके ऑप्शंस है वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स, और इसके ऑप्शंस हैं वन ज़ीरो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज ये दिए गए हैं. तो अब देखें जब इसके अंदर मैं लिमिट अब लगाऊंगी क्वेश्चन नंबर 27 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स है. तो अगर मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो राइट मोड ऑफ तो पॉजिटिव है, तो इसके एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू फिर हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो
राइट लिमिट जा रही है तो राइट एक्स एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू ये वन आ गया। अगर इसके अंदर मैं लेफ्ट लिमिट लगाऊँ, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये देगा माइनस एक्स ओवर एक्स आएगा, एक्स एक्स से कैंसिल, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो लेफ्ट लिमिट और माइनस वन देखो तो जो नेगेटिव वन ही रहेगा। अब मतलब एक पे पॉजिटिव दे रहा है, एक पे नेगेटिव दे रहा है, मतलब लिमिट ऑलवेज यूनिक। सो फंक्शन हैव ऑलवेज यूनिक लिमिट, बट हेयर इज लिमिट नॉट यून, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ वन एंड राइट हैंड लिमिट इज़ नेगेटिव वन, सो लिमिट इज़ नॉट यूनिक, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका सी ऑप्शन राइट था। क्वेश्चन नंबर 28 में है, फाइंड द बाइनरी फॉर्म विद बेस टू, बाइनरी फॉर्म विद बेस टू 231। विद बेस टू इसकी बाइनरी फॉर्म फाइंड करें, ये तो आठवीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। आठवीं क्लास के भी मैं अब जब हीरो फार्मूला बताया या बाइनरी फॉर्म बताया, ये सारा आठवीं क्लास का कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब SST मैथ और 17 स्केल का फेडर वालों ने टेस्ट लिया और अब ये आठवीं क्लास का क्वेश्चन उठाया हुआ है। आठवीं क्लास को मैं पढ़ाती भी हूँ तो इस वजह से थोड़ा अंदाज़ा है। अभी बेस टू इसका लेना है तो टू के साथ इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू वन सर टू टू रिमाइंडर इज वन, नेक्स्ट भी टू रिमाइंडर वन, टू टू आज फोर वन, टू वंस टू थ्री वन, आगे भी वन भी था, टू वन जार टू, टू वन जार टू, तो नेक्स्ट इलेवन फाइव आना था, फाइव टू जार टेन रिमाइंडर इज वन, नेक्स्ट इलेवन है फाइव टू जार टेन, फिर फिफ्टीन, फिर सेवन और वन, फिर टू एट और वन, फिर वन फोर रिमाइंडर इज ज़ीरो, टू सेवन आर फोर्टीन तो ज़ीरो, टू थ्रीज आर सिक्स रिमाइंडर इज़ वन, टू वन आर टू रिमाइंडर इज़ वन, तो इसका फिर क्या बना, वन इधर से ऊपर जाना होता है, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 विद बेस टू, इसका राइट ऑप्शन ये था। तो फर्स्ट वन वन ज़ीरो ज़ीरो ये सी ऑप्शन दी था राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन था ये बी और ये डी, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, एज वी नो दैट कंटिन्यूटी इज ऑलवेज डिस्कस्ड ऑन क्लोज्ड इंटरवल व्हाइल डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑलवेज एन ओपन इंटरवल, दैट्स एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एट डिफरेंशिएबल एन ओपन इंटरवल। तो एग्जैक्ट आंसर ये था कि एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, वो ऑप्शन कुछ इस तरह से थे कि एफ कंटिन्यू होगा ओपन इंटरवल पे या है सेमी क्लोज होगा या डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्लोज्ड इंटरवल ये था, तो उसका ये राइट ऑप्शन ये था कि कंटिन्यूस ऑलवेज डिस्कस्ड ऑन क्लोज्ड इंटरवल एट डिफरेंशिएबिलिटी ऑलवेज डिस्कस्ड ऑन ओपन इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 20 वाइट बॉल्स एंड 10 ब्लैक बॉल्स, वन बॉल इज पिक्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट अ वाइट बॉल। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, देयर आर 20 वाइट बॉल्स बीस फेक बॉल हैं और 10 ब्लैक हैं, वन बॉल इज पिक्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट अ वाइट बॉल, कितना परसेंट चांस है कि वाइट बॉल आएगा, वन बॉल पिक गई की गई है, 10 ब्लैक्स हैं 20 वाइट हैं, तो नंबर ऑफ जो वाइट के हैं वो 20, 10 के हैं 10, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा 30, तो टोटल अब वाइट बॉल के लिए उन्होंने कहा ना वन बॉल इज पिक्ड एंड टू सेलेक्ट अ वाइट बॉल, तो 20 ओवर 30 तो 10 ओवर 2 ओवर 3 इसका राइट ऑप्शन था। इसका पी ऑफ एस इज इक्वल टू 2 ओवर 3 सैम्पल पे स्पेस पे 2 ओवर 20 ओवर 300 से कैंसिल, तो 2 ओवर 3 इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो क्वेश्चन है वो है लिमिट का,
क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये आपको वाइट बाल जो भी मैंने बताया नज़र तो आया था, या देख लीजिए क्या था, मतलब 20 वाइट बाल्स थी और 10 ब्लैक्स थी और वन बाल पिक की गई तो 20 ओवर 30 किया तो 2/3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में है 3+ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, 3+ एच माइनस रूट 3 ओवर एच की वैल्यू फाइंड करनी थी क्या आएगी, तो आप सिंपली इसको चाहे रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करना ज़्यादा बेहतर है, इसको रैशनलाइज करना, लिमिट वैसे एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट लगाएं तो ज़ीरो वैसे भी बटे के नीचे ज़ीरो बनेगा तो इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड फंक्शन बनेगा, आप डायरेक्ट इसके अंदर लिमिट पुट नहीं की जा सकती तो इसको रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो 3+ एच माइनस रूट 3 ओवर एच इंटू 3+ एच प्लस रूट 3 ओवर 3+ एच प्लस रूट 3, अब लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो जब ये होंगे मल्टीप्लाई तो 3+ एच इंटू 3 ओवर एच इंटू 3+ एच प्लस रूट 3, तो 3 से कैंसिल, एच से कैंसिल, बाकी क्या बचा 1 ओवर 3+ एच प्लस रूट 3, बट लिमिट इज़ एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, जब इसके अंदर ज़ीरो लिमिट लगेगी ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा रूट 3+ रूट 3 तो इज़ इक्वल टू 2√3 इसका आंसर बनेगा, 2√3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ अ कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन इट्स कॉन्जुगेट लाइज इन, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में, अभी क्वेश्चन नंबर है 32, क्वेश्चन 32 में कहा गया अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, अब देखें यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं मतलब ऑल पॉजिटिव और यहाँ सारे पॉजिटिव और इधर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है और इधर एक्स नेगेटिव एंड वाई आल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज़ पॉजिटिव एंड वाई इज़ नेगेटिव। अब अगर मैं फर्ज करूँ लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई है, अब वो कह रहे हैं कि कम्प्लेक्स नंबर है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता है, देन इस कॉन्जुगेट कहाँ लाइक करेगा, अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, दैट्स मीन एक्स माइनस योटा वाई फॉर्म है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करे और वो कुछ कम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में होगा तो इसका फिर कॉन्जुगेट क्या कहाँ लाइक करेगा, अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लूँ तो क्या आएगा एक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है ओटा के साथ वाले के इमेजरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा प्लस ओटा वाई, तो वो एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव और वो कहाँ लाई करेगा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस फिर इसका अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर लाई करे तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका राइट ऑप्शन फिर ऑप्शन थे इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा, इसका ये राइट ऑप्शन है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज रिफ्लेक्शन अबाउट द ओन एक्सिस के पे ही वो उसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, अब डिवीजन के लिहाज से क्लोज्ड कौन है, अब इसके ऑप्शंस है 1, 2, -1, 2, 1, 1, -1 या नन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, अब डिवीजन भी 1, -1 ही इसका क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, आपको मैं ये करके दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि 1, -1 ही मेरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत से रिस्पेक्ट में ये मेरा क्लोज्ड है, तो मतलब 1 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, इस सेट का नाम रख लेते हैं ए, देन 1 बिलोंग्स टू सेट ए, अगर मैं -1 को -1 पे डिवाइड करूँगी तो पॉजिटिव 1 आएगा वो भी सेट से बिलोंग करेगा और 1 को जब -1 पे डिवाइड करेंगे तो वो भी सेट से बिलोंग करेगा, अगर -1 को 1 पे डिवाइड करूँ तो भी वो जो आंसर आएगा -1 वो भी उसी सेट से बिलोंग करेगा, दैट्स मीन दैट दिस सेट हैव एलिमेंट 1 and -1 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन आल्सो, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो गया।
क्वेश्चन जो 34 था, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच इज कंटेंट इन जी एंड ए बी बिलोंग्स टू सबसेट एच, इंप्लाइज दैट एच इज़ अ सब ग्रुप, मतलब कोई एक ग्रुप है और इसका एक सब ग्रुप है और दो सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ए बी. अगर ये दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट वन ए और सेकेंड वन बी, ये दो एलिमेंट्स सबसेट से अगर बिलोंग करते हैं तो सबसेट को सब ग्रुप शो करवाने की क्या प्रॉपर्टी है. ये बी एस सी की मैथड में है, सेकेंड चैप्टर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बी एस सी में ही करवाया जाता है, मैथमेटिकल मेथड में है. ग्रुप थ्योरी देख लें, उसका बेसिक वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो एलिमेंट्स सबसेट को सब ग्रुप, किसी सब एक ग्रुप है उसका एक सबसेट लें, उस सबसेट को सब ग्रुप शो करवाना हो तो क्या करते हैं, उस एलिमेंट का दो एलिमेंट्स लें, एक एलिमेंट का इन्वर्स लेके जब दोनों के साथ जो अंडर जो ग्रुप का ऑपरेशन होगा वही सब ग्रुप पे लगाएंगे, उसी सब ग्रुप के अंदर ही वो अगर सेटिस्फाई करके क्लोज प्रॉपर्टी तो वो जो सबसेट होगा वो सब ग्रुप हो जाता है. इसका राइट ऑप्शन तो होगा ऑप्शन सी. कैसे होगा, हेयर बाइंडरी ऑपरेशन इज स्टार, स्टार इज़ अ बाइंडरी ऑपरेशन, सो एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार मस्ट बी क्लोज, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, मतलब उस ऑप्शन के अंदर ही उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो ये यूनिवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आई होप आपको तो पता ही होगा क्या होता है. अब क्वेश्चन नंबर 35, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दैन थ्री फोर दैन एफ ऑफ जीरो क्या होगा. अब एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ जीरो क्या होगा, सिंपली एक्स की जगह जीरो रख दें और इसको फिर डिटर्मिनेंट खोल लेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस सिक्स इज द मतलब ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा. तो आप देख सकते हैं क्या होगा, इधर मैंने सॉल्व भी किया है, तो एफ ऑफ एक्स ये है, ज़ीरो रखना है तो डिटर्मिनेंट खोल लें सिंपली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू एट होता है देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट. तो ऑप्शंस अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें लेफ्ट और राइट दिया हुआ ऑप्शंस, फिर बेस्ट वे यही है कि आप ऑप्शंस को ही उसमें इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट करके देख लें, जो फिर ऑप्शन उसको गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करके वही आंसर हो जाता है, विदाउट आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब फार्मूला सोचते हैं, तरीका सोचते हैं, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा इक्वेशन है, मतलब बहुत वो फिर टाइम ले जाता है. तो बेहतर लेफ्ट, जब भी लेफ्ट राइट की इक्वेशन दी गई हो आराम से ऑप्शन को उठाएं, उसे गिवन इक्वेशन में पुट करें और जो ऑप्शन उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही हमारा आंसर हो जाता है. सिंपली ऐसा ही करना चाहिए और टाइम बच भी जाता है काफ़ी. अब यहाँ पे भी ऐसे किया गया, मैंने लिया ये ऑप्शन जो था बी ऑप्शन, एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया टू माइनस टू एटा, जब इसके अंदर मैंने रखा तो वो एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू एटा जब रखा है तो अब देखें मुझे जो इक्वेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर ये 36 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू एट ओटा, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू ओटा, इसके अंदर जब हम दर्ज पुट करेंगे तो एक्स तो टू माइनस टू ओटा का स्क्वायर माइनस एट इंटू टू माइनस टू ओटा प्लस 16. अब एट ओटा इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि इसकी जो राइट है वो एट ओटा है राइट साइड, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, 16 प्लस 4 माइनस एट एटा माइनस 16 प्लस 16 एटा प्लस 16 कैंसल एंड प्लस एट एटा यहाँ से और ये 16 तो नहीं बनेगा, टू का स्क्वायर 4 और यहाँ 4 आना था, 4 प्लस 4 माइनस 16 माइनस 16 प्लस 16 और एटा प्लस 16 तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये तो हो गया. उसके बाद माइनस 4 बना था, 4 माइनस 4 ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो माइनस 8 प्लस 16 पॉजिटिव 8 और एटा इसका मतलब राइट ऑप्शन बनता है. तो ये ऑप्शन ही मेरा राइट ऑप्शन है, एक्स 2 एंड माइनस 2 और एटा ये इसका राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन 37 विच इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू, कौन सा सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू डॉट, मतलब ये डॉट मल्टीप्लिकेशन और डॉट ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन के लिए लिया जाता है. अब विद रिस्पेक्ट टू किस ऑपरेशन के, तीन, अब ये तीसरा ऑप्शन है जो कि 1-1 का विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेटिस्फाई करवा रहा है, तो ये मेरा राइट ऑप्शन है और राइट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट -1 टू 1 मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स डी एक्स,
इज़ तो मतलब इंटीग्रेट करें तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 0, 1, माइनस 1 या नन ऑफ दिस, तो माइनस 1 टू 1 इसके अंदर लिमिट लगाई, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड किया इसके इंटीग्रल को किस तरह से कि माइनस 1 टू 0 ये नेगेटिव मोड ऑफ एक्स होगा वो नेगेटिव होगा और 0 टू 1 ये पॉजिटिव होगा एक्स माइनस एक्स, जब माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा और पॉजिटिव 0 टू 1 ये पॉजिटिव है तो एक्स माइनस एक्स तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा, 0 का इंटीग्रल भी 0 हो गया माइनस टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन जब की तो आंसर आया 1, सो इस बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फोर्थ ऑर्डर बट फर्स्ट डिग्री, डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर इज इक्वल टू 0 एट वाई ऑफ 0, कंडीशन जो भी दें। नेक्स्ट उन्होंने पूछा वाई हैज़ हाउ मेनी सॉल्यूशंस, जितने ऑर्डर की, ये पीपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था क्योंकि मैंने पास्ट पेपर सारे सॉल्व किए हैं तो थोड़ा आइडिया है, ये पीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि कितने ऑर्डर की है डिफरेंशियल इक्वेशन तो कितने उसके सॉल्यूशंस होते हैं, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस आते हैं, फोर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस भी फोर होंगे, तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगी इधर क्योंकि okay, फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन एक 40 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसमें माइनस 1 टू 1 मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स, तो इसका मैं पीडीएफ जो होगी वो डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, मतलब मेरी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आप पता ही होगा कि क्या होता है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक डाल दूँगी, उधर से आप इसकी जो मैं भी अभी जो भी करवा रही हूँ उसका आपको पीडीएफ में इसका मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। अब माइनस वन टू वन मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स है तो एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स, तो जब इसके अंदर माइनस वन माइनस ऑफ एक्स रखा तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज मीन ऑड फंक्शन है एज पर ऑड फंक्शन, सो अगर ऑड फंक्शन हो तो ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन जो होती है वो जीरो होती है, ये तो पीछे डिस्कस भी हो गया था। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो स्टैटिकली इंक्रीजिंग होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है स्टैटिकली डिक्रीजिंग होगा, लेस देन जीरो स्टैटिकली डिक्रीजिंग होगा, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो स्टैटिकली वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड हैज़ अ डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल, दैन फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल, दैन एफ हैज़ इंक्रीजिंग, अब इंटरवल की बात आ रही है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो ओपन इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज फर्स्ट डेरिवेटिव इन ओपन बट एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज, देन अगर फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर आल इन ओपन इंटरवल दैन एफ हैज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल, अगर नेगेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ही आपका नेगेटिव आ गया तो वो डिक्रीजिंग होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। छोटी सी कोटेशन लिखी, अगर सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो ज़िंदगी जीने का मज़ा देती हैं। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन 41 देखें कि इफ़ एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स अगर मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, अब यहाँ मैं ये थ्योरम है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो वो स्टैटिकली इंक्रीजिंग होता है, अब यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं स्टैटिकली का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, सिंपली कहा गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या ऑसिलेटिंग या नन ऑफ दिस, तो अब इन्होंने ये नहीं बताया कि स्टैटिकली की बात नहीं की तो अब इंक्रीजिंग भी नहीं कह सकती, क्योंकि इंक्रीजिंग जब सिंपली इंक्रीजिंग की बात आती है तो इंटरवल की बात आती है, अब क्वेश्चन में इंटरवल भी नहीं दिया गया, सिंपली कहा गया कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो फिर इसका नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन है, वैसे अब राइट ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस ही मेरी तरफ से बनता है कि नन ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है कि एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया गया एक्स टू प्लस नाइन एक्स या माइनस ट्वेल्व एक्स इस इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब ये कह रहे हैं कि इंक्रीज करता है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो वो किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है तो किस पॉइंट पे वो इंक्रीजिंग है, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं लूँ और इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन 10 पुट करूँ तो वो ग्रेटर देन जीरो तो आता है,
फिर जब फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता था, लेकिन यहाँ पे सिंपली इंक्रीजिंग तो कह रही है कि इंक्रीजिंग है। तो नेक्स्ट ऑप्शन बताओ ऑप्शन में से राइट ऑप्शन कौन सा है। अब स्ट्रिक्टली उन्होंने नहीं कहा सिर्फ इंक्रीजिंग कह दिया तो वो इंक्रीज, अब ग्रेटर देन जीरो टेन जब मैंने रखा तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा मतलब वो टेन पे ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन मेरी तरफ से ए है। और माइनस फोर या प्लस फोर को भी मैंने चेक किया था वो लेस देन जीरो आ रहे थे तो इंक्रीजिंग नहीं कह सकते, लेस देन जीरो पे तो वो एफ टेन पे इसने पॉजिटिव दिया है फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका इंक्रीजिंग दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन टेन इसका राइट ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट है 43, विच वर्ड कैन बी एक्सप्रेस इन 720 वेज। ये कम्बिनेशन की बात आ गई, कम्बिनेशन है मैथमेटिकल मेथड का 8 चैप्टर, मेथड की बात हो रही है, कैलकुलस की बात हो रही है, या 8वीं 9वीं 10वीं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात हो रही है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी वैसे ये कम्बिनेशन है, मतलब FSC BSC और मेथड तक का ही बात है। MSC का बस टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन, मीटर स्पेस का एक क्वेश्चन लिया गया था, वो नेक्स्ट जब आएंगे तो आपको बताऊँगी कि कौन से क्या थे। तो अभी तक वैसे आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर दिया करें, बताया करें कि क्या है और क्या कमी है, किस तरह से करवाया जा रहा है, और अगर आपको कोई कमी फील होती है पढ़ने में तो ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट वो इम्प्रूव करने की। क्वेश्चन 43, विच वर्ड कैन बी एक्सप्रेस इन 720 वेज, पाकिस्तान फ्रांस एंड इंडिया एंड नन ऑफ दिस, ये फोर ऑप्शन थे। तो अब चारों ऑप्शंस में से फ्रांस के कितने लेटर्स ऑफ वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 इसके नेम में लेटर हैं, फ्रांस के हैं 6 लेटर्स, सो 6 फैक्टोरियल करेंगे तो 720 है। जब वेज की बात होती है, कम्बिनेशन की बात होती है, फैक्टोरियल दिया जाता है वेज, हाउ मेनी वेज, तो फैक्टोरियल ले लें, 6 लेटर है 6 फैक्टोरियल करें तो 720 वेज से मैं फ्रांस लेटर लिख सकती हूँ, तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। एक डॉट प्रोडक्ट की बात आई थी कि इफ़ ए इज़ अ वेक्टर एक्स आई प्लस फोर जे प्लस टू के एंड बी टू आई प्लस टू एक्स जे माइनस फाइव के, अगर ये मेरे दो वेक्टर्स हों, आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, देन अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें कि एक्स किसके इक्वल होगा, ये दोनों का अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो आएगी। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, एक्स आई प्लस फोर जे प्लस टू के और टू आई प्लस टू एक्स जे माइनस फाइव के, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली तो एक्स आई जो था यूनिट वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फोर जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई और के का कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो टू एक्स प्लस एट एक्स टू एक्स जे था इधर, तो एट एक्स माइनस टेन, तो 8 प्लस टू 10x माइनस 10 तो इजिकल टू 10x इजिकल टू 1 आ गया, तो यहाँ इसका ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 अंडर मॉडुलो 7 इज, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था कि इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 अंडर मॉडुलो 7 इज व्हाट, इसके ऑप्शन है 1 3 -3 एंड नन ऑफ दिस, तो 1 3 और मॉडुलो 7 ये कैसे होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 अंडर मॉडुलो 7 करना है, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3, 1/3 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ तो 5/15 और 15 अंडर मॉडुलो 7 1 देता है, तो मतलब 5 इसका आंसर आएगा, 5 मोर 7 तो इसका राइट ऑप्शन फिर बनेगा 5, फिर इसका इन्वर्स बनता था 5 अंडर मॉडुलो 7 मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज 5। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज 5 अंडर मॉडुलो 7, अंडर मॉडुलो 7 के अंदर 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो -3 बनेगा। 46 है, विच नेचर ऑफ द कोफिशिएंट आइदर हैव नो सॉल्यूशन, अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो नेचर कोफिशिएंट्स क्या होगी, उसकी नेचर डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट, रैशनल या नन ऑफ दिस, अगर कोफिशिएंट का सॉल्यूशन ये फिर होगी बात उसकी लीनियर इक्वेशंस की बात होती है,
द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन इट इज़ सेट टू बी इनकन्सिस्टेंट. तो इसका मतलब फिर डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है. अगर सिस्टम का कोई सोल्यूशन ना हो तो इनकन्सिस्टेंट होता है. द ग्राफ्स ऑफ द लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट सो द ग्राफ्स आर पैरेलल एंड देर इज़ नो सोल्यूशन. तो एक दूसरे को वो कट नहीं करती. मतलब अगर मैं इनका ग्राफ बनाऊँ तो वो कैसे बनेगा, ग्राफ ऑफ इनकन्सिस्टेंट इक्वेशंस का कुछ इस तरह से बनेगा. इनकन्सिस्टेंट है और सोल्यूशन इज इनकन्सिस्टेंट. सोल्यूशन इज इनकन्सिस्टेंट इसका राइट ऑप्शन बनेगा. तो अगर मैं आपको और इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दूँ, इफ़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो देन इट इज़ डिपेंडेंट. डिपेंडेंट सिस्टम कब होता है, इफ़ कंसिस्टेंट सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, देन सिस्टम इट इज इंडिपेंडेंट. सिस्टम इज इंडिपेंडेंट. सिस्टम इज डिपेंडेंट. तो सिस्टम डिपेंडेंट होता है. व्हेन यू ग्राफ द फंक्शन तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन फंक्शन का कैसे ग्राफ बनता है, कुछ वो इस तरह से बनता है फिर. और अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कैन हैव वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं या नो सॉल्यूशन भी हो सकता है. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. इक्वेशंस मतलब लीनियर वो इक्वेशंस इस तरह से हो सकती हैं, 2x + 5 कर लें और सेकंड इक्वेशन y = 4x + 3 कर लें. ये इक्वेशंस हैं और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं. ऑर्डर पे दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशंस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम. अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन हैव वन सॉल्यूशन, फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी क्लासिफाइड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूशन. If a system has at least one solution, it is said to be consistent. If a system has one solution, if system has one solution, if a system has one solution, if a system has one solution, then that system is called consistent. It is said to be consistent. इफ़ अस कंसिस्टेंट सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन. अगर कंसिस्टेंट सिस्टम का एक सोल्यूशन है तो फिर उसे एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है तो फिर वो इंडिपेंडेंट होता है. इफ़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम हैज एग्जैक्टली, इफ़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम और जिसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है फिर उसको इंडिपेंडेंट भी कहते हैं. इफ़ अ कंसिस्टेंट सिस्टम हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इट इज इंडिपेंडेंट. एक सोल्यूशन है तो वो इंडिपेंडेंट है, नो सोल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट है. अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं तो वो डिपेंड करता है. अगर वो वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो इंडिपेंडेंट है. वन सोल्यूशन इंडिपेंडेंट, एक ही सोल्यूशन है वो तो इंडिपेंडेंट ही होगा. एक ही सोल्यूशन है, इंडिपेंडेंट है. और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ गए तो वो सारे एक दूसरे पे फिर डिपेंड कर रहे हैं. और अगर कोई सोल्यूशन नहीं आया तो सिस्टम ही इनकंसिस्टेंट हो जाता है. कंसिस्टेंट है तो वो डिपेंड भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट भी कर सकता है. अगर वो डिपेंड कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो वन सॉल्यूशन है, अदरवाइज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. और इसका जो फिर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर ये मेरी दो लीनियर इक्वेशंस ली हुई हैं तो वो सॉल्यूशन फिर थोड़ा सा इस तरह से बनेगा इसका. ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. तो बोथ इक्वेशंस प्रेजेंट द सेम लाइन. तो ये था उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बने तो एक ही लॉ बनेगी. हालांकि दो इक्वेशंस थी बट बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, तो एक ही लाइन को वो रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए इधर एक ही लाइन आई. और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए दो लाइन आएंगी. द ग्राफ्स आर बोथ पैरेलल एंड देर इज़ नो सॉल्यूशन. दो पैरेलल लाइंस आ जाती हैं और वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है इसका. A system of two linear equation can have one solution, finite solutions, no solutions. If a system has exactly one solution, then it is independent.
तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया मेरे पास. इसके 46 क्वेश्चंस थे और ये मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए. कुछ आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू का मैंने पार्ट वन में कहा था, अगर किसी के पास है तो ज़रूर मुझसे शेयर करें, वो मैं करवाऊँगी सॉल्व. आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के बारे में मैं कॉन्सेप्ट दूँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. और वो अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है और आइगन वेक्टर दे दिया गया है तो किस वैल्यू के लिए वो आइगन वेक्टर, कौन से आइगन वैल्यू के लिए वो आइगन वेक्टर होगा, वो कैसे निकालते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी. इसमें इस वीडियो में तो पेपर ही बताना था और वो 46 क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिए हैं. और आई थिंक इधर कोई एक क्वेश्चन रिपीटिंग भी था जिसमें और फंक्शन की बात हो रही थी. अब ये जो माइनस वन टू वन मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स था, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. ये हाँ, ये इधर भी है और फंक्शन की बात इधर, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 40 रिपीट ही हो रहे हैं. तो ये 26 इसका मतलब फिर ये 45 क्वेश्चन हो गए हैं, फिर ये 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा. तो मेरे पास मतलब फिर 45 क्वेश्चंस हैं. तो 5 क्वेश्चंस अभी मिसिंग है जो मुझे तक अभी तक नहीं पहुंच सके. अगर आपके पास है तो ज़रूर शेयर करें उसका सलूशन और विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं करवाऊंगी कि वो कैसे कैसे, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं बनते, कोई राइट ऑप्शन है तो वो क्यों कैसे है. तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगी आपको करवाने की. आज के लिए इतना ही. और इंग्लिश और पैडागोजी के भी थोड़ा थोड़ा है लेकिन एक दो तीन या चार पाँच क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन ये बता सकती हूँ कि पैडागोजी और इंग्लिश में किस तरह से प्रेपोजिशन इंग्लिश की तो हुई थी, वो सारी इंग्लिश की प्रेपोजिशंस, उसका अब क्या वीडियो बनानी, वो तो आपको नेक्स्ट बना भी दूँ तो वो आपको खुद प्रिपेयर करनी पड़ेगी. नेक्स्ट किसी भी टेस्ट के लिए वो अप्लाई करते हैं या तैयारी करते हैं तो खुद करनी पड़ेगी ट्राई. और जो प्रोफेशनल थे वो ज़रा सोलो टैक्सोनॉमी साइकोमोटर्स डोमेन इंस्पेक्शंस पे, मतलब सोलो टैक्सोनॉमी और साइकोमोटर डोमेन और एक ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये ज़रूर तैयार करके जाएं. और इसके लिए बुक मैं रिकमेंड करूँगी क्वालिफाई बीएड या एम क्वालिफाई एमएड के नाम से एक बुक है और वो बहुत अच्छी बुक्स हैं. मैंने भी एक ली थी, मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाऊंगी. लेकिन अब तक इसकी वीडियो में काफ़ी टाइम हो गया तो आज इसकी वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट मैं आपको बुक भी बताऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगी किस तरह से कौन कौन से टॉपिक्स आए थे. और एफपीएससी अभी लेक्चरर के लिए लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अब उसकी भी टेस्ट डेट आजकल के दिनों में आने वाली है, नेक्स्ट में भी नेक्स्ट मंथ आ जाए. उसमें कौन सा सिलेबस होगा और क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी ही बताऊंगी. तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच. और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपका तो कुछ नहीं जाता, आपके लिए तो टोटली फ्री है. और एक लाइक भी कर दें और अगर आप सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी है, वैसे कमेंट्स तो दे सकते हैं ना, फीडबैक दें मुझे और कैसी है, क्या कमी है, क्या नेक्स्ट होना चाहिए बताएँ ज़रूर. और सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.